आपका सवाल है, वेलोड्रोम निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन के लिए एक क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए लॉन टेनिस, बी आइस हॉकी, सी ट्रैक साइकिलिंग, डी फॉर्मूला वन रेसिंग। इसका सही जवाब है सी ट्रैक साइकिलिंग। आपका सवाल है, विस्पा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी चेस, सी क्रिकेट, डी स्क्वॉश। इसका सही जवाब है डी स्क्वॉश। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजन लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग वेबसाइट YouTube पर लाइव प्रसारित होने वाला पहला आयोजन बन गया है? आपका ऑप्शन है ए 2010 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, बी फाइफा वर्ल्ड कप, सी इंडियन प्रीमियर लीग, डी T20 वर्ल्ड कप। इसका सही जवाब है सी इंडियन प्रीमियर लीग। आपका सवाल है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा पहले मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी बेसबॉल, सी वॉलीबॉल, डी हैंडबॉल। इसका सही जवाब है सी वॉलीबॉल। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है? आपका ऑप्शन है ए अभिनव बिंद्रा, बी मुहम्मद असलाम, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, डी नीरज चोपड़ा। इसका सही जवाब है ए अभिनव बिंद्रा। आपका सवाल है, स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 13, बी 15, सी 17, डी 20। इसका सही जवाब है बी 15। आपका सवाल है, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए जोजे पेरुरेना लोपेज, बी एंड्रयू पार्सन्स, सी ड्वेन केल, डी रॉबर्ट स्टेडवर्ड। इसका सही जवाब है ए जोजे पेरुरेना लोपेज। आपका सवाल है, फीफा ने 2004 में किन दो टीमों के बीच मैच ओन ऑफ द सेंचुरी का आयोजन किया था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी एंड फ्रांस, बी फ्रांस एंड ब्राजील, सी ब्राजील एंड जर्मनी, डी इटली एंड ब्राजील। इसका सही जवाब है बी फ्रांस एंड ब्राजील। आपका सवाल है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी साउथ कोरिया, सी जर्मनी, डी ग्रीस। इसका सही जवाब है डी ग्रीस। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी इंडिया। इसका सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।